हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मानसून ऋतु में हमको लगता है कि भाई हमारी स्किन हेल्दी है, स्किन में ड्राइनेस नहीं है, तो हमको मगज में ऐसा ख्याल आता है कि भाई स्किन हाइजीन मेजर करना ये सीज़न में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ये आपकी गलत फहमी होती है कि ज़्यादातर जो बीज वाली ऋतु होती है, बारिश की सीज़न होती है, तो आपकी जो स्किन है मॉइस्चराइज ज़्यादा लगता है और आपको लगता है कि हेल्दी स्किन है, तो ये आपका भूल है। क्योंकि ये सीज़न में फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इसका ग्रो बहुत होता है और हमारी स्किन प्रॉपर साफ नहीं होती है, तो यही सीज़न में हमको स्किन के बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं और इसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरुआत के तबक्के में हम आधुनिक साइंस की कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी या कोई स्टीरोड युक्त दवा या कोई ऐसी दवा ले लेते हैं तो ये तो मिट जाता है, पर लॉन्ग टर्म इसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट होती है और ये लॉन्ग टर्म लेने से स्टीरोड या एंटीबायोटिक हमारे जो स्किन का जो टेक्सचर होता है ये चेंज हो जाता है और स्किन की जो सेंसिटिविटीज है चली जाती है। बाद में थक के पेशेंट जब होम्योपैथिक या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है तो हम बोलते हैं कि भाई 3 से 6 महीना दवा करना पड़ेगा, तब दर्दी को लगता है कि इतनी सारी इतना लंबा टाइम लेना पड़ता है। लंबा टाइम इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आपकी जो स्किन डेड हो गई है इसको नेचुरल रिज्वाइन करने में टाइम जाता है। दवा तो काम करेगा, दवा इनर एंगल से मिटाता है, तो आपको दवा जरूर करना चाहिए। और कई सारे ऐसे डिजीज है जो आधुनिक साइंस में इनक्योरेबल है, हम उसको चैलेंज नहीं करते, पर जो लोग ट्रीटमेंट पूरी करते हैं उनको 100% फायदा हुआ है और ये फिर से निकल के उभर भी नहीं आता है और शरीर की या स्किन की जो इसके निखार है, इसकी हेल्दीनेस है और इसका स्ट्रक्चर्स है, इसकी ब्यूटिफिकेशन है, ये फिर से आ जाता है। तो मित्रों, ये मानसून में कौन से जो स्किन डिजीज़ का है हमको होम्योपैथिक उपचार करना चाहिए, तो सबसे पहले जो स्किन डिजीज़ है इसको सोरियासिस बोलते हैं, इसको सोरायसिस भी बोलते हैं या सोरियासिस भी बोलते हैं। सोरियासिस में कई बार हमारे फेस पर या पीठ पर या हाथ पैर पर छोटे छोटे बूंद निकल आते हैं, बाद में ये सर्कल फॉर्म में बड़ा हो जाता है, इसमें से ड्राई स्केली निकलता है, इचिंग होता है, बार बार होता है और स्प्रेडिंग होता है। एक बार मिट जाता है तो बाजू में होता है और स्प्रेड होता है और बाजू में हो जाता है और ये सारी जो स्किन होती है ये ड्राई हो जाती है और ये सर्कल फॉर्म में होती है, कई बार पीठ पे होती है, कई बार नाखून में भी होता है तो नेल सोरायसिस बोलता है, कई बार हाथ पैर में होता है तो लेग एंड हैंड टाइप ऑफ सोरायसिस बोलते हैं, कई बार बालों में होता है तो उसको स्काल्प सोरायसिस भी बोलते हैं या इसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोला जाता है। ये बाल या हमारे बियर्ड पार्ट में बहुत सारे होते हैं और इसके स्केलीफोम निकलता नहीं है और ये स्केलीफोम बनता रहता है, दर्दी कितना भी कोई भी शैम्पू से वॉश करे तो नेक्स्ट डे वो उभर आता है। और इसमें भी कई आधुनिक साइंस के एसिडिक शैम्पू देते हैं तो स्काल्प की सेंसिटिविटी और जो 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 हेयर होता है इसकी जो जो सॉफ्ट है वो पतला हो जाता है बाल और अनहेल्दी हो जाता है। तो मित्रों, इसमें जो होम्योपैथिक है, मेजेरियम है, सल्फर है, आर्निका है एंड ग्रेफाइटिस का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार स्किन में एक्जिमा ऊपर आता है, एक्जिमा मीन्स खरजवा बोलते हैं, ये दो प्रकार के एक्जिमा होता है, वीप एक्जिमा मीन्स खरजवा में से कई बार पानी निकलता है, कई बार अंदर से पीप मिथिक सिक्रेशंस होता है, स्केली फॉर्म निकलता है, खुजली बहुत चलता है, कई बार ड्राई एक्जिमा होता है, ये हमारे जो दोनों अंगूले के बीच में या पगों के अंगूल में या कई बार स्किन के ऊपर फेस पर हो जाता है, कई बार हमारे बगल के पार्ट में हो जाता है, कई बार गले के आजू बाजू में हो जाता है, पर जनरली मेनली जो एक्सपोज पार्ट में ये एक्जिमा ज़्यादातर होता है। तो इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी दवा है, लाइकोपोडियम है, ग्रेफाइटिस है, एल्यूमिना है, रोस्टॉक्स दवा का उपयोग करना चाहिए। ये जो सारी जो दवाइयाँ है ये धीरे से प्रयोग करो तो ये धीरे 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 मिट जाता है। मित्रों, यही सीजन में एक जो डिजीज़ है थर्ड नंबर का
जिसको अल्टीकेरिया रैश बोलते हैं, जिसको गुजराती में हम हिंदी में सीरस भी बोलते हैं। ये पित्त जन्य डिजीज है, जिनको बॉडी में पित्त होता है या ओवर ड्रगिंग होता है या ज़्यादा स्टेरॉइड जन्य दवा लिया हो या पोस्ट कोविड के बाद कई लोगों को ये सीरस ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये ओवर ड्रगिंग के लिए भी हो सकता है, कई बार खून में खराबी होने के कारण हो सकता है, कई बार ड्रग इंड्यूस कोई ऐसा कोई दवा लेने के कारण हो सकता है, कई बार वेदर के कारण होता है। देर इज़ अ सो मैनी कॉज फॉर द ब्रेकआउट द सोरायसिस, ब्रेकआउट दिस अर्टिकेरिया रैश। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी दवा है, इसमें अर्टिकेरिया नाम की ही दवा आती है, तो अर्टिकेरिया लेना चाहिए, एसिड नाइट्रिकम दवा लेना चाहिए, डलका मारा है एंड आर्निका का उपयोग करना चाहिए। ये दवा धीरे से लेना चाहिए, ऐसे पेशेंट में कई बार स्किन पर पफिनेस आ जाता है और बुल्ली टाइप ऑफ स्किन में बदलाव आता है, खींचाव आता है, दर्दी को कई बार फेस में, आंखों के आजू बाजू में, जांघों के कवर्ड अनकवर्ड पार्ट में आ जाता है, और जब ये ब्रेकआउट होता है तो दर्दी को ये एरिया में हीटिंग लगता है, इरिटेटिंग लगता है, रेस्टलेसनेस दर्दी हो जाता है, उनको थोड़ा मन छोटा हो जाता है, और कई बार एंग्जाइटी भी दर्दी करता है, रोग के बारे में उनको वरीड रहती है, कई बार नींद नहीं आती। तो ऐसे केसे में हमने जो दवा बताया ये दवा लेना चाहिए। मित्रों, फोर्थ नंबर का जो डिजीज है, गड़गुमट निकल आता है, कई बार छोटे बॉइल्स होता है, इसमें पीप होता है, कई बार बड़ा गड़गुमट निकल आता है, हाथ पैर में आता है, ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादातर हो जाता है, और कई बार ये फूटता है तो बाजू में हो जाता है, कई बार जो ये पकता ही नहीं है, कच्चा ही रहता है और पेनफुल रहता है, तो उसको सर्जरी करने से और फिर से हो जाता है, बार बार निकल आता है गड़गुमट। तो इसके लिए होम्योपैथिक में गन पाउडर है, सिलिशिया है, हेमामालीज है, ये जो दवा है ये 30% में लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म लेने से ये आपका जो गड़गुमट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मित्रों, लास्ट नंबर एलर्जी दर्दी को हो जाता है, रैश हो जाता है, इचिंग होता है, दर्दी जैसे मानसून में भीगने के कारण सारा शरीर में उनको नेटल रैश, ले किसी ने चाबुक से मारा हो ऐसे प्रकार के पीठ पर उसको सोर निकल आता है, इसमें बर्निंग होता है, जलन होता है, तो ऐसे केस में रस्टॉक्स है, आर्निका है, सल्फर है, एपिस मेलिफिका है, और एक्सटर्नल आप कैलेंडुला भी लगा सकते हैं। तो ऐसे सारे जो डिजीज़ है पर्टिकुलरली मानसून ऋतु में, ऐसे तो यंगस्टर में फेस पर खील भी आता है, खील के खड्डे हो जाता है, खील कई बार पीप निकलता है, खील से डाग पड़ जाता है, फेस कद्रुपा हो जाता है, फेस हमारा डलनेस हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है। तो ऐसे केस में बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक दवा थोड़ा धीरे से लेना चाहिए। आपको लगता है कि होम्योपैथिक दवा इज अ स्लो हीलिंग, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप आधुनिक साइंस से उसको सप्रेस करके आते हैं, और हमारे पास जब आते हैं आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम पेशेंट को पहले से बोलते हैं कि 3 to 6 months यू वेट और प्रॉपर डाइटिंग कीजिए, हम आपको डाइट के लिए सलाह करेंगे, डू एंड डोंट्स बताएंगे, और हाइजीन मेजर के लिए आपको एडवाइस करेंगे, कुछ एक्सटर्नल दवा का भी हम प्रमोट करेंगे। तो जब भी आपको यही मानसून सीजन में आपको ऐसे कोई रोग दिखता है, तो तुरंत आपको कोई होम्योपैथिक आपके नज़दीक के डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं, जो हमारे साथ आपको इंटरेक्ट में रहते हैं, तो नीचे बताया हुआ नंबर से हमारे स्टाफ के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, और आपका जो स्किन का है एक फोटोग्राफ डाल दीजिए, जैसे मैं फ्री होता हूँ तो आपको सामने से हम कॉल करेंगे और आपको ज़रूर मदद करेंगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।